हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्लास टेंथ साइंस के केमिस्ट्री आपका चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स आपका ये चैप्टर है। और इसमें एक्सरसाइज में आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन का हम लोग सलूशन देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। देखिए, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब ये सिंपल है, आप जानते हैं एसिड बेस और इसमें आप लिटमस पेपर देखिए, यहाँ बी से आप पकड़िए बी, यानी कि यहाँ ब्लू कलर हो जाएगा बेस में। अब वो अगर आप रेड लिटमस लेते हैं वो भी हो जाएगा ब्लू, और या फिर आप ब्लू लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपका डार्क ब्लू हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। और एसिड में देखिए, एसिड में अब यहाँ ब्लू हो गया तो यहाँ रेड होगा, बट रेड कैसा होगा अगर आप लिटमस पेपर लिए हैं ब्लू लिटमस, तो वो रेड कलर का हो जाएगा। और अगर रेड कलर ही लेते हैं तो वो थोड़ा सा डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लर्न कर लीजिए। और एक बात, ये एसिड जो है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 to less than 7, यानी 7 से कम जो होगा तो वो तो आपका एसिडिक होगा। बट यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड अगर ब्लू में हो गया तो इसका मीन्स ये है कि मोर देन 7 से अधिक, मोर देन 7 से अधिक आप लेंगे बट उसका रेंज 14 तक ही होता है। और ये एट रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ये पीएच स्केल 0 to 14 तक वैरी करता है, 0 to 14 तक। 7 पर जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, लेस देन 7 एसिडिक, ठीक है, लेस देन 7 एसिडिक, और मोर देन 7 14 तक अगर है तो वो बेसिक। तो सिंपल है, मोर देन 7 आपको इसमें चेक करना है, तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ मिल रहा है 10, ऑप्शन डी। ठीक, इसमें देखिए वही दिया है कि बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। बेसिक सॉल्यूशन है जो पीएच वैल्यू मोर देन 7 टू 14, सिंस दिस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच लाइकली टू बी 10। देखिए, गिवन ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन डी आप इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर टू ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की दी सॉल्यूशन कंटेंस। सिंपल है, अब देखिए इन्होंने ये कहा है कि ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग सेल्स में क्या होगा, है ना, क्रश्ड एग सेल में क्या होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि टू गिव ए गैस, वो एक गैस दे रहा है दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर है वो मिल्की मीन्स दूधीय रंग का होता है। दिस सॉल्यूशन कंटेंट, सॉल्यूशन के पास क्या होगा, तो देखें सिंपल सी बात है, इसमें सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। कैसे होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ क्रश्ड एग सेल्स जो आप देख रहे हैं,
क्रस्ड एक सेल में क्या होता है, तो क्रस्ड एक सेल जो एग का जो कवर है, कवर उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर आप एसिड रहेगा, अब ये तो साल्ट है, NaCl, LiCl, KCl सब साल्ट हैं, अगर वहाँ एसिड रहेगा HCl, तो देखिए CaCl2 बैलेंस कर लीजिए, CaCl2 फॉर्म होगा और साथ ही साथ H2O फॉर्म होगा और यहाँ CO2 भी, इसमें CO2 यही गैस रिलीज होगी। अब इन्होंने कहा कि टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी यही CO2 गैस ही है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन भी नोट कर सकते हैं और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिस सॉल्यूशन कंटेन्स HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। इफ वी टेक 20 ml, इन्होंने ये कहा कि 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन NaOH जो है, NaOH ये कितना लिया गया, 10 ml। ठीक, और अब इसके साथ हम कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, HCl अगर हम यहाँ लें, ये 10 ml ले रहे हैं, 10 ml और ये 8 ml। ठीक है, 10 ml इसका, 8 ml को क्या कर देगा, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा ये। ठीक है, क्या करेगा, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज में ये NaCl H2O फॉर्म होगा, NaCl और प्लस H2O ये होगा। अब देखिए इसी के बेस पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा इफ़ वी टेक 20 ml, अब यहाँ 10 के प्लेस पर अगर आप 20 ml लेते हैं, 20 ml आप सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH आपने 20 ml ले लिया। ठीक है, दी अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन, द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, अब 10 का यहाँ डबल हो गया 20, तो 8 का डबल हो जाएगा क्या, 8 × 2 = 16 ml। ठीक, तो 16 ml हो जाएगा, तो ऐसे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 16 ml। ठीक, देखिए आंसर में भी आपका 16 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिंस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन यानी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिडिटी हो जा रही है, क्या हो रही है, एसिडिटी इनडाइजेशन हो रहा है ना, तो एसिडिटी हो रही। अब एसिडिटी मीन्स इंक्रीज हो गया है एसिड, क्वांटिटी ऑफ एसिड इंक्रीज। अब इन एसिड का क्वांटिटी को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, बेस। बेस क्या होगा, वही एसिड का एंटी होगा, इसलिए एंटा एसिड आप कह दें, है ना, एंटीबायोटिक तो होगा नहीं, एनाल्जेसिक भी नहीं होगा, एंटा एसिड ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंटा एसिड। एसिड का अपोजिट क्या होगा, बेस, तो बेस यही आपका एंटा एसिड है जो एसिडिटी को क्या कर देगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन करके क्या देंगे भाई, साल्ट वाटर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एंटा एसिड इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। ओके, ठीक, तो इस तरीके से आप ये जानते रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, सिंपल है,
अब इन्होंने कहा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्यूल्स। तो देखिए यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स, है ना, जिंक के दाने जिसे कहते हैं, उसके साथ आप रिएक्शन करवाएंगे। तो सिंपल है, ये जिंक SO4 से रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ देखें सल्फेट आयन पर टू निगेटिव चार्ज। तो अब आप वही, और ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक पर तो अभी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर जिंक फर्स्ट क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पहले तो ये जिंक आयन में कन्वर्ट होगा 2+। अब देखिए, और ये जो H2SO4 है ना, H2SO4 ये एक्वस मीडियम में क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा 2H+ सल्फेट आयन SO4 2-। ओके, और ये टू इलेक्ट्रॉन ये 1-1H ले लेंगे तो H में 2H बनेगा और 2H मिल करके H2 गैस रिलीज कर देंगे, और साथ ही साथ ये Zn2+ SO4 2-, ये रिएक्शन करेंगे तो इसका 2+ 2- न्यूट्रल Zn SO4 बनेगा। तो इस तरीके से ये Zn SO4 और H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, Zn SO4 H2 गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा देखिए, बी नंबर का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये ले लिया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन यानी Mg के साथ हो, MgCl2H2 गैस, सिंपल आप देख रहे हैं, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका सी दिया गया है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम, तो सल्फ्यूरिक एसिड आप H2SO4 और एल्यूमिनियम, तो क्या फॉर्म होगा इसमें, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इजी रिएक्शन है, बस बैलेंस भी कर लीजिए आप, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे आप, लेफ्ट साइड काउंट करेंगे कितने एटम हैं, जैसे आप देखिए ऐसे नोट करते हैं ना, H2SO4+Al, है ना, ये रिएक्शन करवाएंगे तो Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक, और साथ में यहाँ H2 गैस भी रिलीज हो जाएगी, H2 गैस बैलेंस कर लीजिए, यहाँ देखिए हाउ मेनी सल्फेट आयन हियर, 3 होल थ्राइस लगा है, तो आप यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ आप 3 लगाएंगे जिससे 3 2 6 यहाँ भी हो जाए हाइड्रोजन, ठीक। अब एल्युमिनियम यहाँ 2 है, बस यहाँ 2 कर लीजिए, एकदम देखिए ईजिली ये आपका बैलेंस भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, देखिए इसी में है ये डी वाला, डी देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स वही HCl एक्वस मीडियम, और Fe के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो FeCl3 एंड हाइड्रोजन गैस बैलेंस कर लेंगे, सिंपल है। कैसे बैलेंस करेंगे, जब आपके पास HCl है, Fe है, रिएक्शन आपने करवाया, FeCl3 फॉर्म हुआ, फेरिक क्लोराइड इसे कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन ऊपर लिख देते हैं यहाँ H2, बैलेंस करिए। अब देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन को सबसे पहले तो आप चेंज करिए, ये क्या है, ऑड नंबर है 3, इसको इवन में चेंज करिए, 2 लगाएंगे, 3 2 6 6 Cl यहीं है तो 6 यहाँ लगाना पड़ेगा, और 6 हाइड्रोजन मीन्स 3 2 6 हाइड्रोजन। ओके, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। आप देखते हैं एल्कोहल्स जो है, एल्कोहल्स में आप देखें जैसे आपका मेथिल एल्कोहल हो गया CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल है, या आप ले लीजिए एथिल एल्कोहल C2H5OH, ठीक, ये, और या ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6
O6 कंटेन्स हाइड्रोजन। इसमें देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। एसिड में इन्हें कैटेगराइज नहीं किया गया। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी की सहायता से इसको आप सिद्ध करिए, यानी प्रूव करिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, सिंपल है, इसका आंसर भी यहाँ देखें। टू नेल्स आर फिटेड ऑन ए कार्क एंड आर केप्ट इट इन ए 100 ml बीकर। टू नेल्स आर फिटेड, एक कार्क ले लीजिए, कार्क में टू नेल्स, दो आपको उसमें आयरन के आप जो उसका कील होता है, नेल्स कील, उसको ले लीजिए और केप्ट उसको रख दीजिए इन ए 100 ml बीकर, 100 ml के बीकर में। The nail are then connected to the two terminals of a 6-volt battery through a bulb. एक बल्ब से आप उसको कनेक्ट कर दीजिए 6-volt बैटरी से, एंड ए स्विच, और एक स्विच भी लगा दीजिए। सम डायल्यूट HClH poured, उसमें आप कुछ डायल्यूट HCl को उड़ेल दीजिए, पोर्ड कर दीजिए इन ए बीकर में, एंड द करंट इज स्विच डाउन, इसके बाद करंट आप उसमें स्विच डाउन कर दीजिए, यानी उसमें फ्लो करवाइए। द सेम एक्सपेरिमेंट्स इज देन परफॉर्म विथ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ भी आप ऐसे करिए, मतलब ग्लूकोज एक बार HCl आपने डाइल्यूट HCl आपने यहाँ देखिए ये देन परफॉर्म विथ ग्लूकोज सोल्यूशन एंड एल्कोहल सोल्यूशन। देखिए जब आप डायल्यूट HCl आप लेंगे तब तो उसमें से करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, लेकिन ग्लूकोज सोल्यूशन और एल्कोहल का आप सोल्यूशन लेंगे तो इनमें करंट फ्लो नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन में देखिए आपको यही मिलने वाला है कि इट विल बी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज, बल्ब जो है वो ग्लोज यानी जलने लगता है, वो ग्लो करने लगेगा इन दी HCl सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन में, एंड डज नॉट ग्लो इन दी ग्लूकोज सोल्यूशन एज वेल एज एल्कोहल सोल्यूशन। वह ग्लूकोज सोल्यूशन और एल्कोहल के सोल्यूशन में ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये एक्सपेरिमेंट लेकर, इस एक्सपेरिमेंट से देखिए यहाँ फिगर आपको दिया गया है, फिगर से भी आप काफ़ी कुछ इसमें क्लियर कर सकते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दें, यहाँ आपने ले लिया एक रहा आपका कार्क लिया आपने, ठीक है, आपने नेल लगाया, वही नेल मतलब अभी हमने बताया आपका आयरन का दो कील ले लीजिए, वही है, ठीक, इसमें आपने ये कर दिया, और इसके बाद इसी में आप डाइल्यूट सोल्यूशन फिल कर दीजिए, ठीक है, ये रबर कार्क है, रबर का बना हुआ कार्क, तो आप डाइल्यूट सोल्यूशन इसमें HCl का लिए, बीकर जान ही रहे हैं बीकर है ये, और इसमें आप 6-volt बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाइए, तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लोइंग बल्ब, यानी यह क्या होगा, ग्लो करेगा अर्थात जलेगा। बट व्हेन वी टेक इन द प्लेस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ग्लूकोज सोल्यूशन और एल्कोहल सोल्यूशन, देन बल्ब नॉट ग्लोइंग, बल्ब नहीं जलेगा। सो दैट इट प्रूव्स ग्लूकोज सोल्यूशन एज वेल एज एल्कोहल सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन एज वेल एज एल्कोहल सोल्यूशन बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन आयोनाइजेबल, सो इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लो, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया। अच्छा, ये रिजल्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगा, कंक्लूजन भी मिल जाएगा, ये आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। देखिए रिजल्ट में आपने क्या देखा, HCl dissociates into H+Cl- ion,
These ions conduct electricity in this solution, resulting in the glowing of bulb. वही अभी हमने बताया. On the other hand, दूसरी तरफ, the glucose solution does not dissociate into ions. Glucose solution आयन में डिसोसिएट नहीं होगा. Therefore, it does not conduct electricity. अतः इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. और देखिए कंक्लूजन क्या मिला. कंक्लूजन ये मिला, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स. ऐसा ये नहीं है कि जिसके पास हाइड्रोजन है वो सब के सब एसिड हैं. जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद एच प्लस आयन देंगे वही एसिड हैं. दैट इज वाई दो एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स. तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does. देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, ये इसका जो पीएच होता है वो करेक्ट सेवन होता है और साथ ही साथ ये प्योर होता है. और ये देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. डिस्टिल्ड वाटर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज. इसमें कोई आयनिक स्पीसीज नहीं होता, देयरफॉर कोई और इसमें कुछ मिक्स नहीं होता. देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अतः इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. रेन वाटर में आप जानते हैं बहुत सी गैसें सब, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन करके वही नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब बना लेते हैं और वाटर में वो मिक्स हो जाते हैं. और साथ ही साथ और जब वाटर मिक्स होंगे तो वो जान रहे हैं अब वाटर क्या हो गया, इम्प्योर. और इम्प्योर हो गया तो उसमें आयनिक स्पीसीज आ जाएंगे, वही H2SO4 आयोनाइज हो जाएगा, H2SO3 आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, HNO3 आयोनाइज हो जाएगा. तो बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कंटेन्स मेनी आयनिक स्पीसीज सच एज एसिड्स एंड देयरफॉर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरीके से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर. वाटर के एब्सेंस में एसिड जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते. देखिए एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. वाटर के एब्सेंस में एसिड एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली. एच प्लस आयन केवल वाटर में जब हम एसिड को डालते हैं तभी देगा. According to Arrhenius, it is the hydrogen ions that are responsible for the acidic behavior. Hydrogen ion ही acidic behavior के लिए क्या है, वही responsible है. But जब water ही absent रहेगा तब वो acidic behavior नहीं show करेगा. देखते हैं question number 9, 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is neutral? अब neutral कौन होगा, देखिए पहले तो आप ऐसे यहीं नोट कर दीजिए अपने आप आंसर आपका A, B, C, D and E, और इनका pH आप नोट कर दीजिए. pH दिया है देखिए A का 4 दिया, A का pH 4, B का 1, C का 11, D का 7 और E का 9 दिया है ना, 9 है. अब इसने कहा कि न्यूट्रल कौन होगा, तो न्यूट्रल तो क्लियर है यही 7 वाला होगा, मीन्स D हो जाएगा. आप देखें न्यूट्रल सॉल्यूशन D विथ pH 7.
अब ये कहा स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन होगा, स्ट्रांगली अल्कलाइन मतलब जिसका पीएच हाई हो, और पीएच हाई किसका है, सी का, तो आप कर देंगे स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन सी विथ पीएच 11। अच्छा स्ट्रांगली एसिडिक जिसका लोवेस्ट होगा पीएच, लोवेस्ट किसका है, बी का, तो वही आप कहेंगे स्ट्रांगली एसिडिक जो होगा वो सॉल्यूशन बी विथ पीएच 1। नेक्स्ट क्वेश्चन वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक मतलब जो सेवन के क्लोजेस्ट हो, सेवन के क्लोजेस्ट वो भी सेवन से लेस होना चाहिए, एसिडिक कह रहा है, तो आप यही ए फोर आप बता देंगे, यानी वीकली एसिडिक सॉल्यूशन है विथ पीएच 4। अच्छा वीकली एल्कलाइन, वीकली एल्कलाइन मतलब जो सेवन के से ग्रेटर देन सेवन, सेवन से अधिक हो लेकिन उसके क्लोजेस्ट हो सेवन के, तो नाइन ही है, तो इस तरीके से वीकली एल्कलाइन जो होगा वो सॉल्यूशन ई विथ पीएच 9 होगा। सिंपल है, और इसमें आप ये कह सकते हैं देखिए द पीएच कैन बी अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसका पीएच लेस होगा, फिर उससे ज़्यादा सबसे कम एसिडिक वही हो जाएगा 11 वाला, ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप देखिए ज़रा, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी, टेस्ट ट्यूब आप ले लीजिए ऐसे, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ठीक ए एंड बी टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, ठीक ये मान लीजिए कि ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, फर्स्ट वॉल्यूम क्या आप ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, व्हाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, बी में आप क्या ले लीजिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, ओके। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड व्हाई, तो देखिए सिंपल है, फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में जो फिजिंग होगी वो स्ट्रांगली होगी, रीजन क्या है, रीजन ये है कि यह आपका एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कैसा है, वीक एसिड है, व्हाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड, ठीक स्ट्रांग एसिड है, तो इसलिए ये जो आपका फिजिंग अकर मोर विगरसली वो आपका टेस्ट ट्यूब ए होगा, और इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़रा देखिए द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड आप किए हैं वो उसका जो फिजिंग होगी वो विल अकर स्ट्रांगली, दिस इज बिकॉज एच सी एल इज ए स्ट्रांगर एसिड, अभी आपको बताए, और वाइल सी एच थ्री सी ओ ओ एच एसिटिक एसिड जो है इसके कंपेरिजन में देखिए दैन दिया ना, एच सी एल इज स्ट्रांगर एसिड दैन सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये तो वीक एसिड है एसिटिक एसिड, एंड देयर फोर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट ए फास्टर स्पीड ड्यू टू विच फिजिंग अकर्स, तो इसमें एच सी एल में हाइड्रोजन आयन ये जल्दी ये दे देगा, ठीक है फास्टर स्पीड से ये देगा, इसीलिए फिजिंग इसमें टेस्ट ट्यूब में पहले आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क है जो पीएच 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा पीएच तो आप जानते हैं 6 है, किसका मिल्क का 6 होता है, बट जब यही मिल्क ये क्या होगा कर्ड में चेंज होगा, दही बनेगा, दूध से दही बनाएंगे, तो इसका पीएच जो होता है ना वो और रिड्यूस हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कर्ड है ना कर्ड एसिडिक इन नेचर होता है, इसमें लैक्टिक एसिड जो होता है लैक्टिक एसिड उसकी क्वांटिटी जो होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है,
तो ये देखिए वही आंसर है, द पीएच ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंजेस टू कर्ड, जैसे ये कर्ड में चेंज होता है द पीएच विल रिड्यूस, पीएच रिड्यूस यानी कम हो जाता है बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, कर्ड जो है वो एसिडिक इन नेचर में होता है और एसिडिक इन नेचर में पीएच लेस होगा, द एसिड्स प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेस द पीएच, पीएच को क्या करेगा वो डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, ये कोई जो मिल्कमैन है दूध बेचने वाला यानी ग्वाला, वह फ्रेश मिल्क में क्या ऐड करता है, बेकिंग सोडा। अब ये क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज ही, देखिए व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, वह 6 से थोड़ा सा पीएच क्यों इंक्रीज करना चाहता है, रीजन है उसका, ठीक रीजन ये है कि अल्कलाइन कंडीशन में मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजली, वह इजली कर्ड नहीं बनाता, इसलिए है ना कर्ड बनने के लिए उसको किधर की तरफ पीएच उसका डिक्रीज करना पड़ेगा, तो बेकिंग सोडा डालेंगे तो बेकिंग सोडा आप जानते हैं बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए देखिए द मिल्कमैन शिफ्ट्स द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, वो थोड़ा सा अल्कलाइन बनाना चाहता है, ऐसा क्यों, तो बिकॉज इन अल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड ईजली, जिससे वह कर्ड में ईजली न बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, तो ये जो मिल्क है वो लॉन्ग टाइम यानी थोड़ा ज़्यादा समय लेता है किसमें सेट होने के लिए, कर्ड में, तो इसका आंसर ये आप देखिए, सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क एसिड्स प्रोड्यूस्ड टू सेट द कर्ड आर न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, तो बेस के द्वारा ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, देयर फॉर इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम फॉर द कर्ड टू सेट, यानी मिल्क से कर्ड बनने में ये ज़्यादा टाइम ले लेता है, लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड यानी इसको रखना चाहिए कहाँ, इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मींस जिसमें मॉइस्चर ना आए, नमी ना आए, ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ऐसा क्यों, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस ए पाउडरी मास एब्जॉर्ब्स वाटर, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और टू फॉर्म ए हार्ड सॉलिड नोन एज जिप्सम, तो वही क्या है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम में चेंज हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं रिएक्शन, हाँ ये है आपका पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2H2O, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो 1/2H2O को ये एब्जॉर्ब करके किस में चेंज हो गया, CaSO4 × 2H2O, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ जिप्सम, ये हार्ड सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, नहीं तो वो जब जिप्सम बना लेगा तो वो हार्ड सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन देखें, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी इजी क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स, जानते हैं आप ए रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन फॉर्म ऑफ हीट, देखिए एनर्जी इसमें हीट के फॉर्म में निकलती है और इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, जैसे देखें बेस एसिड रिएक्शन करके साल्ट वाटर का फॉर्मेशन किया, और इसके अलावा देखें
ये तो फर्स्ट आपका एग्जांपल हुआ। सेकंड देखा ड्यूरिंग इनडाइजेशन, पाचन में देखे काज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस HCl एसिड इन द स्टमक वी एडमिनिस्टर एन एंटी एसिड। जब कभी ज़्यादा आपके स्टमक में ये HCl जो है ये ऑक्सेंटिक सेल से बनता है ठीक स्टमक में, तो अब आपका ये HCl जो है ज़्यादा मात्रा में निकल गया तो वी एडमिनिस्टर एन एंटी एसिड। तब हम एंटी एसिड क्या करते हैं, लेते हैं जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, और ये क्या है विच इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर में होता है। तो देखिए यहाँ भी ये बेस है ये एसिड है, सेकंड एग्जांपल वही MgCl2H2O बैलेंस कर लेंगे तो द एंटी एसिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस ऑफ एसिड एंड दस गिव रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन, और हमें इंडाइजेशन जो पाचन नहीं हो रहा है उसमें हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 नंबर का क्वेश्चन है, गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का टू इम्पॉर्टेंट यूज बताना है यहाँ। टू इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट है वाशिंग सोडा का, देखिए इट यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वाशिंग सोडा को ग्लास जहाँ कांच बनता है, सोप साबुन बनते हैं, और पेपर जहाँ कागज़ बनते हैं, उन कारखानों में उन इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जब वाटर में मिक्स हो जाए तो उसी को आप कहते हैं क्या, उसको आप कहते हैं ये हार्ड वाटर, क्या है हार्ड वाटर। और जब कार्बोनेट, ये आपके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ये सब अगर मिक्स हैं वाटर के साथ तब आप उसको कह देते हैं सॉफ्ट वाटर। तो परमानेंट हमेशा के लिए ये हार्डनेस हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाशिंग सोडा। अच्छा बेकिंग सोडा के दो यूज देख लीजिए, इट इज़ यूज एज बेकिंग सोडा, खाने में भी यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिड नोन एज टार्टरिक एसिड। व्हेन इट इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर, जब इसको हम हीट करते हैं या वाटर मिक्स करते हैं, इट रिलीज CO2 दैट मेक्स ब्रेड और केक फ्लफी, है ना, फ्लफी यानी उसे फूला हुआ थोड़ा स्पंजी बना देता है। तो इसलिए आप इसको ये बेकरी बनाने में भी यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करते हैं। ये आप जानते रहिए ये यूज है किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।